सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। वाली जी दा गोल साचे दरबार की जय। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम वक्रतुंड विकास वक्त्राब्ज विकाशिताशः देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रतीगमातर्जगतोऽखिलस्य प्रतीगविश्वेश्वरि पाहि विश्वम् त्वमीश्वरि देवि चराचरस्य आधारभूता जगता स्वमेका महीस्वरूपेण यतः स्थितासि अपां स्वरूपस्थितया त्वयैतत् आप्यायते ते समलङ्घवीर्ये त्वं वैषविशक्तिरडङ्कवीर्या विश्वस्य बीजं परमाशिवाय सम्मोहितं देवि समास्तमेतत् त्वं मे प्रसन्ना भुवि मोक्तिहेतुः विद्या समर्था समदेविभेदाः श्रियः समर्थाः सकला जगत्सु त्वयैतपूरितमं वयैतत् काते स्तुतिः सभ्यपरा परक्तिः सर्वभूताय दा देवि सर्वमुक्तिप्रदायिनि त्वं सुखदा कुलेका भवन्तो परमप्रियः सर्वस्य बुद्धिरूपेण जगस्य हृदि संस्थिते स्वर्गापवर्गते देवि नारायणि नमोऽस्तुते कलाकाचारिरूपेण परिणामप्रदायिनि विश्वस्योपरतौ शक्ते नारायणि नमोऽस्तुते सर्वमङ्गलमङ्गले शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये जम्बके गौरि नारायणि नमोऽस्तुते श्रीसिद्धिविनाशाणां शक्तिभूत सनातने गुणाश्रय गुणमय नारायणि नमोऽस्तुते शरणागतदीनाथ परित्राणपरायणे सर्वस्यापि हरे देवि नारायणि नमोऽस्तुते हंसयुक्ताभिमानस्य ब्रह्माणि रूपधारिणि कौशाम्बाक्षरिते देवि नारायणि नमोऽस्तुते त्रिशूलचन्द्राहि धरे महावृषभवाहिनि
माहेश्वरी स्वरूपेण नारायणी नमोऽस्तुते। मयूर कुक्कुट महाशक्तिधर नग कौमारी रूप संसारे नारायणी नमोऽस्तुते। शंख चक्र कदाचार गृहीत परमायुध प्रसीद वैष्णवी रूपे नारायणी नमोऽस्तुते। गृहीतोग महाचक्र सुंदर वराहरूपिणी शिव नारायणी नमोऽस्तुते। नृसिंहरूपेण अग्रेण हन्तुं यद्यद्यद्धमे त्रैलोक्य प्राणसहित नारायणी नमोऽस्तुते। किरीटिणी महावज्र सहस्र वज्ज्वल वृत्र प्राण हरे चेन्द्रे नारायणी नमोऽस्तुते। शिवज्योति स्वरूपेण हतदैत्या महाबल घोररूपेण महाराज नारायणी नमोऽस्तुते। गर्षाकराल वदने शिरोमाला विभूषणे चामुण्डे मुण्डवदने नारायणी नमोऽस्तुते। लक्ष्मीलज्जे महाविद्ये सद्ये पुष्टि सुधे ध्रुवे महारात्रि महाविद्ये नारायणी नमोऽस्तुते। मेधे सरस्वती वरे भूतिभ्रमितामसि नीते त्वं प्रसीदे च नारायणी नमोऽस्तुते। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयवस्त्रायिनो देवी दुर्गे देवी नमोऽस्तुते। एतत्ते वदनं सौम्यं लोचनाथय भूषितं पातु नः सर्वभीतिभ्यः कात्यायिनी नमोऽस्तुते। ज्वालाकरालमत्युग्रमशेषासरसूदनं त्रिशूलं पातु नोभीते भद्रकाली नमोऽस्तुते। विनोऽस्ति दैत्यदेव्यासि स्वनेना पूरया जगत् स घण्टा पातु नो देवी पाप्यभ्यो न सुतानिव करज्ज्वलः शुभाय खड्गो भवतु चण्डिके स्वानता वयम् रोगानशेषानमहन्सुतुष्ट रोष्टातु कामान सकलानभिषन् त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रिताज्ञाः शयतां प्रयान्ति एता च संयात् कदनं त्वयाद्य धर्मार्गशां देवि महासुराणां रूपेण नैजैर्बहुधा त्वमूर्तिं वित्त्वां विजयता प्रकरोति कन्या विद्यासु शास्त्रेषु विवेकदीपे स्वाद्येषु वाक्येषु दुर्गा त्वदन्या मम त्वगर्तेति महान्धकार विप्रामयते प्रगतिर विश्वं रक्षासि यत्राग्रविशासनाग यत्रारयोदास्य बलानि यत्र कामानलो यात्र तथाब्धि मध्ये तत्रासि दासं परिपासि विश्वं विश्वेश्वरीतं परिपासि विश्वं विश्वापि गाधारयसीति विश्वं विश्वेश वन्ध्या भवति भवन्ति विश्वाश्रयाये त्वयि भक्तिनम्राः देवी प्रसीद परिपालयणोरभिद नित्यं यथा सुरवदा चतुरैव सद्यः पापानि सर्वजगता प्रशमनयाशु उत्पादपाकजनिताश्च महोपसर्गा प्रणतानां प्रसीदत्वं देवी विश्वासिहारिणि त्रैलोक्यवासिनामिले लोकानावरदा भव। देव्योवाच वराहं सुरगणावरं जनमनसच्छथ त्वमनुद्धं प्रयच्छामि जगतामुपकारकं देवाऊचुः
सर्वाबाधा प्रशमनं कैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम् अस्मद्वैरिविनाशनम् देव्युवाच वैभवस्य अन्तरे प्राप्ते अष्टाविंशतिमे युगे शुम्भानुशुम्भश्चैवाणादुत्तक्षेते महासुरौ नन्दगोपाजेनाशोजागरवसम्भवा तदसोनाशिष्यामि विन्ध्याचलनिवासिनि पुनरप्यति रौद्रेण रूपेण पृथिवीतले अवचीर्याणिष्यामि वैभवचित्ता सुदानवान् भक्ष्ययन्ता च तानुग्राह्यप्रचित्ता महासुरान् रक्तादन्ता भविष्यन्ति दारिमे कुसमापमाः ततो मां देवता सर्गे मर्त्यलोके च मानवाः सुबन्धो व्याहरिष्यन्ति सततं रक्तदन्तिका भूयश्च शर्वा शिक्षा मनावृष्टा मनामसि मुनिभिः संसुता भूपा सम्भविष्यामि जानिजा प्रकाशनेन नेत्राणां निरीक्षिष्यामि यन्मुनीन् कीर्तयिष्यन्ति मनुजा सदाक्षिमितमात्मतः कदाहमखिलं लोकमात्मदेह समुद्भवैः भरिष्यामि सुरहशागैरावृष्टैः प्राणधारकैः शाकम्भरीति विख्यातं तदायस महाभुवि तत्रैव वदिष्यामि दुर्गमाख्य महासुरम् दुर्गा देवीति विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति पुनश्चाहं यदा भीमं रूपं कृत्वा हिमाचले रक्षसि वक्षयिष्यामि मुनिनाङ्गानकारणात् तदा मा मुनिः सर्वे शोषङ्गानम्रमूर्तयः भीमादेवीति विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति जवाणाख्यस्य लोके महाबाधां करिष्यति तदाहं भ्रमरं रूपं कृत्वा सङ्घय षट्पदं त्रैलोक्यस्य विकासाय वदिष्यामि महासुरं भ्रामरीति च मा लोका सदा शोषन्ति सर्वतः इत्थं यदा यदा वादा दानवोत्था भविष्यति तदा तदा वदीर्याहं करिष्यामि संशयम् इस समय इस पवित्र गुफा में वैष्णो माता जी की संध्याकालीन आरती षोडशोपचार द्वारा पंचामिस से विधिवत वैदिक रीति से हो रही है। आप श्रद्धालु भक्तजन विद्वानों के मुखारविंद से श्री दुर्गा सप्तशरी जी के पौराणिक पाठ का श्रवण विश्व के कल्याण के लिए कर रहे। विश्व के कल्याण में ही हम सभी का कल्याण भी निहित है। इस समय केवल हम भक्ति ही नहीं सभी देवता भी स्वर्ग लोक से उतरकर माता जी की इस दिव्य आरती का आनंद प्राप्त करने के लिए अपना सूक्ष्म रूप धारण करके इस पवित्र गुफा में पधारते हैं। सभी से निवेदन है कि वे श्रद्धापूर्वक एकाग्रचित होकर माता जी के चरणों में ध्यान करते हुए इस दिव्य पाठ का श्रवण एवं स्वयं पाठ करें। ध्यान ॐ विद्युत् गामसमप्रभा मृगपति स्कन्धस्थिता भीषणा कन्या भीकरवालकेतविलसत् हस्ताभिरासेलिता हस्ते चक्रगदा त्रिखेट विशिखाश चापगुणं गर्जनि विभ्रामनलात्मिकां षडिधरा दुर्गां त्रिनेत्रां भजे ॐ देव्युवाच देवी समेचमान्यत्रं सोषधैर्या समाहितः कस्यां सकलाभानां नाशयिष्यामि संशयम् मधुकैलवनाशं च महिषासुरघातनं कीर्तयिष्यन्ति एतद्वदं शुम्भनिशुम्भयोः अष्टम्यां च चतुर्दश्यां नवम्यां चैकचेतसः शोषन्ति देव ये भक्त्या महामाहात्मोत्तमं नातेषां दुश्चिदचिन्त्य दुश्चिदोत्थान चापदः
भविष्योजनम शत्रुकोण भय तस्त न शस्त्रोगाष्य तस्वेद्यम सोतव्यम चला भक्त परम शौचन महामारी समुद्भवान्दमोत्म शमयन मम यत्रैकपठ्यते सम्यक् नित्यमायतने मम सदा नाद्य मोक्ष्यामि सान्निध्यं तत्र मे स्थितम् बलिप्रदाने पूजायाम् अग्निकार्य महोत्सवे सर्वं ममैतच्चरितम् उच्चार्यं शाप्यमेव च यानता यानता वापि बलिपूजां तथा कृताम् कदेशिष्याम्यहं प्रीत्यावह्नि होमं तथा कृतम् शरत्काले महापूजा क्रियते या च वार्षिकी कस्यान्वैतन्माहात्म्यं श्रुत्वा भक्तिसमन्वितः सर्वाभागाभिर्मुक्तो धनकान्यसुतान्वितः मनुष्यो वक्रतारेण भविष्यति न संशयः श्रुत्वा ममेतन्माहात्म्यं तदा चोत्पत्त्यः शुभाः पराक्रमं च युद्धेषु जायते निर्भयः पुमान् ऋभवः संशयं यास्ति कल्याणं चोपपद्यते नन्दते च कुलो पुंसा महाक्रममृशन्वतां शान्तिकर्मणि सर्वत्र तथा दुःस्वप्रदर्शने ग्रहपीडा च शोग्रासु महात्म्यं शृणुयान् मम उपसर्गः शमं यान्ति ग्रहपीडा च दारुणाः दुःस्वप्नं च निवेदिष्टं सुस्वप्नमुपजायते बालकः विभूतानां बालानां शान्तिकारकम् सङ्घातभेदे जनिनां मैत्रीकरणमुत्तमम् गुरुवित्तानां शेषाणां बलहानिकरं परम् रक्षो भूतपिशाचाणां परनादेवनाशनम् सर्वं ममेतन्माहात्म्यं मम सन्निधिकारकम् पशुपुष्टाग्रधूपैश्च गन्धदीपैस्तोत्तमैः विप्राणां भोजने होमे प्रोक्षणीयहर्निशम् अन्ये च विविधे भोगे प्रदाने वत्सरणया प्रीतिमे क्रियते साक्षत्सुकृतेषुत सुखं हरति पापाणि तदारोग्यं प्रयच्छति रक्षां करोति भूतेभ्यो जन्मनां चेतनं मम युद्धेषु तर्कं जन्म दुष्टतर्कानिवहनम् कस्मिन् श्रुते वैश्रुतं भयं पुंसां न जायते युष्माभिजा च ब्रह्मशिभिः कृताः ब्रह्मणा च क्रियासासु प्रयच्छन्ति शुभामतिम् अरण्ये प्रान्तरे वापि दावाग्ने परिवारितः शून्यो वापशत्रुभिः सिंहव्याक्रानुयातो वा वने वा वनहस्तिभिः राज्ञा क्रुद्धेन चात्यप्यो वध्यो बन्धगतोऽपि वा आगूणितो वा वातेन क्रियापोते महानवे ततस्तु चापि शस्त्रेषु सङ्ग्रामे वृषदारुणे सर्वाभागाधृघोरासु वेदना मृत्वापि वा स्मरण्मेतरितं नरमुच्चेत सङ्करात् मम प्रभावा सिंहाद्यानस्य वो वैरिणः सदा दूरादेव परायन्ते स्मरश्चरितं मम त्रिशुर्वाच इत्युक्त्वा सा भगवती चण्डिका चण्डविक्रमा पश्यतामेव देवानां तत्रैवान्तरधीयत येऽपि देवानिरातङ्का स्वाधिकारण्यता पुरा यद्यभागभुजा सर्वे चक्रुर्विनिहकारयः देत्या च देव्यानिहत शुम्भे देवरिपो युधि जगद्विद्वंसनीतस्मिन् महाग्रे तुलविक्रमे निशुम्भे च महावीर्ये शेषा पातालमाययुः एवं भगवती देवी सा नित्यापि पुनः पुनः सम्भूय कुरुते भूप जगतः परिपालनम्
तन्वायते विश्वं देव विश्वं प्रसूयते साचाचिदाच विज्ञानं तुष्टा रिद्धिं प्रयच्छति व्याप्तं करे सकलं ब्रह्माण्डं वणजेश्वर महाकाल्या महाकाले महामारी स्वरूपया सेवकाले महामारी सेवसृष्टिर्भवत्तया सिद्धिङ्करोति भूतानां सेवकाले सनातने भवकाले दिनां सेवा लक्ष्मीवृद्धिवृदा गृहे सेवाभावे सदा लक्ष्मीविनाशायोपजायते सुधा सम्पूजिता पुष्पे धूमगन्धा दिवे सदा सदा निवृत्तं पुत्रा च मतिं धर्मे गतिं शुभा अथ सिद्धकुञ्जिका स्तोत्रम् शिववाच शृणु देवी प्रवक्ष्यामि कुञ्जिका स्तोत्रमुत्तमम् येन मन्त्रप्रभावेण चण्डे जापः शुभो भवेत् काकवचं नार्जुला स्तोत्रम् कीलकं न रहस्यकम् काकूकं न विध्यानं च नान्यासो न च वाचनम् कुञ्जिकापाठमात्रेण दुर्गापाठफलं लभेत् हरिभूयकरं देवी देवानामपि दुर्लभम् गोपनीयं प्रयत्नेन सयो नेरिव पार्वती पारणमोहनवशं स्तम्भनो चाटनादिकम् पाठमात्रेण संसिद्ध्य कुञ्जिका स्तोत्रमुत्तमम् ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चय ॐ ग्रों ह्रों क्लीं जों सः ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चय ज्वलहं संलं शं फट् स्वाहा नमस्ते रुद्ररूपिण्यै नमस्ते मधुमर्दिनि नमस्ते नवहारिण्यै नमस्ते महिषादिनि नमस्ते शुभ्रहन्त्रै च ऋषुम्भासुरघातिनि जागृतं हि महादेवी जपं सिद्धं करिष्यमे ऐङ्कारी सृष्टिरूपाय ऋङ्कारी प्रतिकालिका क्लीङ्कारी कामरूपिण्ये बीजरूपे नमस्तुते चामुण्डा चण्डघाती च एकारी वरदायिनि विचेताभयदा नित्यं नमस्ते मन्त्ररूपिणि गान्धी दुर्जटे पत्नी वाग्मीं गोमागधीश्वरी क्रान्तीं क्रोङ्कारिका देवी शान्ति शुमे शुभं कुरु हुं हुं हुङ्काररूपिण्यै जं 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 वनादिनि भ्रां ह्रीं भ्रूं भैरवे भद्रै भवान्यैते नमो नमः अङ्कं जं टं तं पं यं षं ीं दुं ऐं ीं हं षं द्विजाग्रं द्विजाग्रं त्रोटय त्रोटय वित्तं कुरु कुरु स्वाहा पामीं भूं पार्वती पुरा कां भीं भूं केचरी तथा सां श्रीं सों सप्तशती देव्या मन्त्रसिद्धं करिष्यमे इदं तु कुञ्जिका स्तोत्रं मन्त्रयाघर्जिहेतवे अभक्तेनैव दातव्यम् गोपितं रक्ष पार्वती यस्तु कुञ्जिकया देवी हीनां सप्तशतीं पठेत् कातस्य जायते सिद्धिः करन्ने रोदनं यथा ॐ श्रद्धालु भक्तजन अभी तक श्री वेद व्यास द्वारा विरचित मार्कंडेय पुराण से उद्धृत श्री दुर्गा सप्तशती जी के पौराणिक पाठ का श्रवण विश्व के कल्याण के लिए कर रहे थे। अभी स्तोत्र पाठ होगा। स्तोत्र पाठ से भक्तों के घरों में सर्वदा रिद्धि सिद्धि बनी रहती है, विशेषतया आपके रोगों शत्रुओं दुख एवं दारिद्र का विनाश होता है, मनोवांछित कामना की पूर्ति एवं
मोक्ष की प्राप्ति होती। श्री दुर्गा आपोद्धारा सुखम नमस्ते शरण्ये शिवेशानुकम्पे नमस्ते जगद्व्यापिके वैश्वरूपे नमस्ते जगत्पद्मपादारविन्दे नमस्ते जगत्तारिणी दुर्गे नमस्ते जगत्चन्द्रमानस्वरूपे नमस्ते महायोगविज्ञानरूपे नमस्ते नमस्ते सदानन्दरूपे नमस्ते जगत्तारिणी सारि दुर्गे अनाथस्य दीनस्य तृष्णादुरस्य भयातस्य भीतस्य वत्सस्य जन्तो त्वमेकाग्रतिर्देविनिस्तारकर्त्रि नमस्ते जगत्तारिणीत्रायि दुर्गे अरण्ये रणे दारुणे शत्रुमध्ये जले सङ्कटे राजगिरे प्रभाते त्वमेकाग्रतिर्देविनिस्तारयेतु नमस्ते जगत्तारिणीत्रायि दुर्गे अपारे महादुस्तरे जन्तघोरे विपत्सागरे भज्यता देहभाजा त्वमेकाग्रतिर्देविनिस्तारनौका नमस्ते जगत्तारिणीत्रायि दुर्गे नमश्चन्द्रिके दण्डगोदण्डलीला समुत्सण्डिता खण्डलाशेषशत्रुः त्वमेकाग्रतिर्विघ्नसन्दहर्त्रि नमस्ते जगत्तारिणीत्रायि दुर्गे त्वमेका सदारम्भिका सत्यवादि ननेकाशिलाक्रोधनाक्रोधनिष्ठा विरापिङ्गलकं सुषुम्नाजनादि नमस्ते जगत्तारिणीत्रायि दुर्गे नमो देवि दुर्गे शिवे भीमनादे सदा सर्वसिद्धिप्रदाते स्वरूपे विभूते सदा कालरात्रि स्वरूपे नमस्ते जगत्तारिणीत्रायि दुर्गे शरणमसि सुराणां सिद्धविद्याकराणां मुनिदनुजवराणां व्याधिभिर्पीडितानां नृपतिग्रहगतानां दस्युविश्वासितानां त्वमसि शरणमेका देवि दुर्गे प्रसीद श्रीभगवती स्तोत्रम् जय भगवती देवि नमामि जय पाप विनाशिनि बहुभरति जय शङ्करनि शङ्करकपालदरे जय मा
Yeah.
श्रद्धालु भक्तजन तीन बार ओंकार अक्षय का नाद करेंगे, एक साथ उच्च स्वर से लंबे स्वर से हृदय से आवाज निकालते हुए माता जी के चरणों में यह प्रार्थना करते हुए, हे माँ, इन पदों में स्तोत्रों से यदि कहीं भी कुछ भक्ति का लेश मिले उसी से प्रसन्न हो जाओ, हमारे अपराधों को क्षमा करो एवं मनोकामनाओं को पूर्ण करो, ऐसा मन में माता जी के चरणों में भाव करते हुए आप सभी भक्तजन तीन बार एक साथ ओंकार अक्षय का नाद कीजिएगा। बिंदुम संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव श्री ओंकाराय नमो नमः। योगी जन बिंदु से संयुक्त इस ओंकार का नित्य प्रति काम एवं मोक्ष की प्राप्ति के लिए ध्यान करते हैं। हमारी सृष्टि का स्वरूप भी ओंकार स्वरूपा ही है तथा इसके आदि एवं अंत में इसी अक्षर का गुंजायमान सदैव होता रहता है। ओंकार अक्षर के जाप से उच्चारण से कई आदि व्याधियों का विनाश भी होता है। हे माँ, इस प्रणव अक्षर ओंकार में अकार उकार और मकार के रूप में ब्रह्मा विष्णु एवं महेश के रूप में आपकी नित्य स्थिति है तथा बिंदु स्वरूपा अर्धमात्रा जिसका विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता वह भी आप ही है। सचियां ज्योतां वाली माता तेरी सदा ही जय, जयकारा शेरां वाली जीदा बोल सच्चे दरबार की जय। अभी आप सभी श्रद्धालु भक्तों ने पूर्ण तन्मयता से तल्लीन होकर श्रद्धा पूर्वक एकाग्रचित होकर
माता जी के इस दिव्य पाठ का श्रवण किया। जिस श्रद्धा से आप सभी ने इस पाठ का श्रवण किया है, स्वयं पाठ किया है, उसी रूप में जगदम्बा वैष्णो माता प्रसन्न होकर आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करें, ऐसी माता से प्रार्थना है। ते सम्मता यन परेशु धनानि तेषां तेषां जशांसि नट सीति धर्म वर्गा धन्यास्त एव निविदात्म भित्त द्वारा येषां सदा भविदा भवति प्रसन्ना। सदा अभ्युदय प्रदान करने वाली माँ आप जिन पर प्रसन्न रहती हैं वही देश में सम्मानित हैं और उन्हीं को धन और यश की प्राप्ति होती है। उन्हीं का धर्म कभी शिथिल नहीं होता तथा वे ही अपने हृष्ट पुष्ट स्त्री पुत्र और भित्तों के साथ धन्य माने जाते हैं। धर्म्याणि देवी सकलानि सदैव कम्मा नत्तादा प्रतिदिन सुकृति करोति स्वर्गम प्राय तदो भवती प्रसादा लोगो देवी फलदा ननु देवी तेन। देवी आपकी कृपा से पुण्यात्मा पुरुष प्रतिदिन अत्यंत श्रद्धापूर्वक सदा सब प्रकार के धर्मानुकूल कर्म करता है और उसके प्रभाव से स्वर्ग लोक में जाता है, इसलिए अब तीनों लोकों में निश्चय मनोवांछित फल देने वाली है। दुर्गे स्मिता हर्षि भीति विशेष जंतु स्वस्थे स्मिता मति मति दारिद्र्य दुख भय हारिणी कात्व धन्या सर्वोपकार करना सदार्थ चित्ता। माँ दुर्गे आप स्मरण करने पर सब प्राणियों का भय हर लेती हैं और स्वस्थ पुरुषों द्वारा चिंतन करने पर उन्हें परम कल्याण में बुद्धि प्रदान करती हैं। दुख दरिद्रता और भय हरने वाली देवी आपके सिवा दूसरी कौन है जिसका चित्त सबका उपकार करने के लिए सदा ही दया दिलाता हो। सचियां जोतां वाली माता तेरी सदा जयकारा शेरां वाली जी दा बोल सच्चे दरबार की जय। ओम ज्ञानी नाम विचेतांसी देवी भगवती ही सा वलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रयच्छति। विभवती महामाया देवी ज्ञानियों के चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती हैं, हम भक्तों की बात ही क्या है। स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश भी मोह के चक्र में पड़ करके पुनः पुनः संसार में आया करते हैं। एक बार स्वयं नारद जी भी श्वेत द्वीप से वैकुंठ धाम में भगवान विष्णु के पास मिलने के लिए गए और उन्होंने देखा कि वहाँ लक्ष्मी जी जो सभी आभूषणों से सुसज्जित थी भगवान विष्णु के चरण दबा रही थी, परंतु नारद जी को आया देख करके वो वहाँ से उठ करके अंतापुर में चली गई। ऐसा देख करके कि माता लक्ष्मी जी यहाँ से चली गई हैं, उन्होंने भगवान विष्णु से पूछा कि महाराज माता लक्ष्मी जी मुझको देख करके क्यों चली गई, तो मैं कोई नीच नहीं हूँ, कोई धूर्त नहीं हूँ, माया को जीतने वाला मुझको देख करके जो ब्रह्मचारी को देख करके माता जी क्यों चली गई। उस समय भगवान विष्णु जी नारद जी को समझाते हुए कह रहे हैं, उपदेश देते हुए कि नारद जी बड़े बड़े ऋषि मुनि भी जो केवल वायु पी करके रहते हैं वो भी इस माया को नहीं जीत पाए, तो आप व्यर्थ की बात क्यों करते हैं। और दूसरी बात ये भी है कि पति के अतिरिक्त स्त्री को किसी के भी सानिध्य में नहीं रहना चाहिए, इसलिए लक्ष्मी जी वहाँ से चली गई। ऐसा सुन करके नारद जी मन में विचारने लगे कि वो माया कैसी है, उसका मुझे दर्शन होना चाहिए। तो उन्होंने भगवान विष्णु से कह दिया कि महाराज यदि ऐसी माया है, माया का बल ऐसा है, तो मुझे दिखा दीजिए। उस समय भगवान विष्णु ने कहा कि मैं अवश्य दिखाऊंगा, परंतु आप उसको देख करके विषादग्रस्त नहीं होना। उन्होंने गरुड़ का आदेश दिया और वो गरुड़ को बैठ करके कांड्यकुब्ज नगर की तरफ चले। वहाँ बड़े बड़े सुंदर नगरों से होते हुए जो गरुड़ था वो कांड्यकुब्ज नगर पहुँचा, साथ में एक सुंदर सरोवर था। वहाँ उन्होंने गरुड़ को उतारा और नारद से कहा कि नारद जी इस स्वर्ण सरोवर का जो जल है वो मुनियों की थकान को दूर करने वाला है, आइए हम इसमें स्नान कर लें। पहले आप स्नान कर लो, बाद में मैं स्नान करता हूँ। नारद जी ने अपनी जो मृग चरण उतारा, वीणा भगवान विष्णु को दी, शिखा बांधी और कुशा हाथ में लेकर के वो सरोवर में स्नान करने लगे। परंतु जैसे ही उन्होंने सरोवर में डुबकी लगाई, बारह के देखते हैं कि उनका जो शरीर है वो स्त्री रूप में परिणत हो गया है। ऐसा देख करके वो अपने शरीर को, वो पूर्व शरीर को वो भूल गए हैं और स्त्री रूप में परिणत हो गए हैं। आसपास देख रहे हैं, सामने देखा कि एक तालध्वज नाम का एक सुंदर राजा जो अपने सैनिकों के साथ वहाँ, हाथियों के साथ वहाँ आया था, उसको देखा। राजा ने भी उस सुंदर स्त्री को, जो नारद जी जो जिस रूप में स्त्री में परिणत हो गए, देखा और पूछा कि देवी आप कौन हैं, आप गंधर्व कन्या हैं अथवा नाग कन्या हैं, आप कौन हैं और जहाँ किसके आश्रित हैं। उस समय नारद जी जो स्त्री रूप में परिणत हो गए हैं कह रहे हैं कि महाराज मैं नहीं जानती हूँ कि मैं कौन हूँ और मैं किसके आश्रित, मैं आपके आश्रित हूँ। उस समय राजा ने जो उस पर कामासक्त हो चुका था उसको एक सुंदर पालकी में बिठाया और अपने नगर में जाकर के विधि पूर्वक उसके साथ विवाह कर लिया और समयानुसार उनके जो 20 पुत्र हुए
उस समय नारद जी स्त्री रूप में परिणत हो गए हैं, अपने आप को बड़ी सौभाग्यशाली समझते थे और उन सभी रानियों में जो राजा की थी उनमें पटरानी समझते थे। उनके आगे पौत्र हुए, वो जब आपस में झगड़ते तो कभी मन विषादग्रस्त भी होता था। इस प्रकार एक दिन जब वो सुख से जीवन व्यतीत कर रहे थे, एक राजा ने उस कान्य को जनक पर चढ़ाई की और उसके सभी पुत्र जो पौत्र थे वो समरांगण में युद्ध के लिए गए और सब वीर गति को प्राप्त हो गए। ऐसा देख करके नारद जी जो रुदन करने लगे हैं, मन में विचार करने कि मेरे सभी पुत्र पौत्रदाय सभी जो वीर गति को प्राप्त हो गए हैं। ऐसा देख करके जब वो युद्ध भूमि में विलाप कर रहे थे तो भगवान विष्णु ने विद्ध बामन का रूप धारण किया और वहां पर आए और पूछा कि देवी आप क्यों रुदन कर रही हैं। तो उसने बताया कि मेरे सभी जो पुत्र इत्यादि पौत्र थे ये वीर गति को युद्ध में प्राप्त हो गए, इसलिए मैं रुदन कर रही हूँ, विलाप कर रही हूँ। भगवान विष्णु ने कहा कि करोड़ों जन्म या के करोड़ों भाई पुत्र हो चुके हैं, किन किन के लिए आप विलाप करोगी? इसलिए जो ये जो समय है इनके तिल दान का समय है, आप किसी तीर्थ में जाकर के इनको तिल दान करो। और वो नारद जी को साथ लेकर के पुंग नाम तीर्थ में गए और जैसे ही उन्होंने वहाँ पर स्नान किया तो देखा कि वो पुरुष रूप में परिणत हो गए हैं और भगवान विष्णु वीणा तथा मृग चर्म लेकर वहाँ खड़े हैं और कहा कि नारद जी जहाँ आइए, आप वहाँ क्या कर रहे हैं? नारद जी यद्यपि अपने उस पूर्व शरीर को स्त्री रूप में नार रूप को भूल गए थे, परंतु जब वो पुनः पुरुष रूप में नार रूप में आए तो उनको अपना जो स्त्री रूप था वो स्मरण था। उन्होंने क्या वहाँ पर अवक्षण खाया, किस प्रकार के कार्य किए, ये सारा स्मरण था। उधर तालध्वज जो नाम का जो राजा है जिसको वो सुंदर स्त्री प्राप्त हुई थी सौभाग्य से, वो विलाप कर रहा है कि मेरी स्त्री कहाँ चली गई। उस समय भगवान विष्णु ने कहा कि ये चक्र की भांति सुख दुख आते रहते हैं, आपको इसमें जो विलाप नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार सौभाग्य के साथ ये सुंदर स्त्री आपको प्राप्त हुई थी वैसे ही आपको ये आपसे चली भी गई है, इसलिए आपको दुख नहीं करना चाहिए। और नारद जी कह रहे हैं कि महाराज मुझे जो पूरा जो अपना स्त्री रूप स्मरण है, और ये क्या है, नारद जी भगवान विष्णु बता रहे हैं कि यही जो महामाया का खेल है, क्योंकि बड़े बड़े ज्ञानी को चित्त को भी जो बाल पुरुष खींच करके मुंह में डाल देती हैं, इसे हम भक्तों की बात ही क्या है। इसलिए आपको कभी अभिमान नहीं करना चाहिए और इसके लिए कि हम मोह में ना पड़े, हमें सदैव इन्हीं महामाया की शरण में रहना चाहिए, जहाँ त्रिशक्ति के रूप में विभक्त होकर के आदिकाल से संपूर्ण विश्वभर में संयुक्त रूप में केवल यहीं विराजमान होती ही आपको शक्ति ऐश्वर्य ज्ञान के वरदान से संपन्न कर रही हैं। ये तीनों महाशक्तियाँ जड़ मूल से एक हैं, उपाय के तीन स्वरूप और इनके चरणों से गंगा स्नान कराती परिक्रमा करती बह रही हैं। इसमें आप स्नान करते हैं, चनावत ग्रहण करते हैं और इन्हीं के साथ बाएँ हाथ पहाड़ी पर प्राकृतिक रूप से विराजमान गणपति महाराज, सूरज, चंद्रमा, बटुक तथा प्रहलाद जी और साथ में माता जी का वरद हस्त भक्तों को प्रत्येक क्षण आशीर्वाद प्रदान कर रहा है। सामने शंकर भगवान जी शिवलिंग रूप में विराजमान और इन्हीं तीनों महाशक्तियों का निवारण मंत्र बीज मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विशेष कलिकाल में भक्तों का विशेष उद्धार करने वाला है। इसमें ऐं के चरण से आपको विद्या की प्राप्ति होती है। जो बच्चे विद्या में निर्बल हैं केवल ऐं ऐं अक्षर का उच्चारण करने मात्र से ही विद्या में निपुण हो सकते हैं। ह्रीं के चरण से आपको दूध पुत्र धन ऐश्वर्य सुख संपत्ति नेक कमाई हर प्रकार की मनोकामना घर किसी देश वेश में स्मृतिमान प्राप्त होता है। और क्लीं के चरण से आपको शक्ति प्राप्त होती है, आपके शत्रुता रोगों का नाश होता है। चामुंडा माता जी का नाम एवं बच्चे के रूप में आप हमें अवयव प्रदान करती हैं। आइए इसी निवारण मंत्र का उच्चारण माता चरण में बैठे हुए हम सभी भक्तगण तीन बार करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा देविचे 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 ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विचे सचिया जोता वाली माता तेरी सदा जयकारा शेरा वाली जीदा बोल सच्चे दरबार की जय। घर में भी नित्य प्रति स्नान उपरांत शुद्ध वस्त्र धारण करके आप इसका कम से कम एक माला जाप
अवश्य करें, जिससे तीनों शक्तियां आपको स्वतः प्राप्त हों और आपकी गृहस्थी ठीक प्रकार से चले। दुर्गा वैष्णो माता, आप आए हुए सभी भक्तों की मनोकामनाएं जो अपने मन में सुन जो माता के प्रति लाए हैं सभी पूर्ण करें। माता जी का वरद हस्त सदैव आपके शीश पर रखा रहे और आप उत्तरोत्तर उन्नति के मार्ग पर अग्रसर होते रहें। सच्चिया जोता वाली माता तेरी सदा, जय करा शेरा वाली जीदा, बोल सच्चे दरबार की जय। अभी भजन की बेला है, सभी भक्तियां उच्च स्वर से बोलते हुए ताली बजाते हुए माता जी भेंटों में योगदान देंगे। सर्वप्रथम निवेदन है श्री विजय कुमार जी से, अपनी मधुर भेंट प्रस्तुत कर रहे हैं श्री विजय कुमार। जयकारा शेरावाली दास, सच्चे दरबार की जय। मारख चरना दे नाल चरना दी मौज बड़ी, मारख चरना दे नाल चरना दी मौज बड़ी, मारख चरना दे नाल चरना दी मौज बड़ी, ओ
मेरी अखियों के सामने ही रहना मशहूर वाली जगदम्बे। मेरी अखियों के सामने ही रहना
विनती हमारी भी अब करो मंजूर माँ, विनती हमारी भी अब करो मंजूर माँ, विनती हमारी भी अब करो मंजूर माँ, विनती हमारी भी अब करो मंजूर माँ। चरणों से हमको कभी करना न दूर माँ, अखियों के सामने ही रहना नशेरों वाले जगदम्बे, मेरी अखियों के सामने ही रहना नशेरों वाले जगदम्बे, मेरी अखियों के सामने ही रहना नशेरों वाले जगदम्बे, मेरी अखियों के सामने ही रहना नशेरों वाले जान के अपना ही बालक सब भूल तो मेरी भुला देना, मुझे जान के अपना ही बालक सब भूल तो मेरी भुला देना, मुझे जान के अपना ही बालक सब भूल तो मेरी भुला देना, मुझे जान के अपना ही बालक सब भूल तो मेरी भुला देना। माँ शेरों वाली जगदम्बे, माँ शेरों वाली जगदम्बे, आंचल में मुझे छुपा लेना, मेरी अखियों के सामने ही रहना नशेरों वाले जगदम्बे, मेरी अखियों के सामने ही रहना नशेरों वाले जगदम्बे, ओ मेरी अखियों के सामने ही रहना नशेरों वाले जगदम्बे, मेरी अखियों के सामने ही रहना नशेरों वाले जगदम्बे। तुम हो शिव जी की शक्ति मैया शेरों वाली, तुम हो शिव जी की शक्ति मैया शेरों वाली, तुम हो शिव जी की शक्ति मैया शेरों वाली, तुम हो शिव जी की शक्ति मैया शेरों वाली, तुम हो दुर्गा हो अम्बे मैया तुम हो काली, तुम हो दुर्गा हो अम्बे मैया तुम हो काली, ओ तुम हो दुर्गा हो अम्बे मैया तुम हो काली, तुम हो दुर्गा हो मैया तुम हो काली, हो मन के अमृत की धार सदा बहना नशेरों वाले जगदम्बे, मन के अमृत की धार सदा बहना नशेरों वाले जगदम्बे, हो मेरी अखियों के सामने ही रहना नशेरों वाले जगदम्बे, मेरी अखियों के सामने ही रहना नशेरों वाले जगदम्बे, हो तेरे बालक को कभी माँ सबर आए, 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 जहाँ देखूँ मैं तू ही तू नजर आए, जहाँ देखूँ मैं तू ही तू नजर आए, जहाँ देखूँ मैं तू ही तू नजर आए, ओ जहाँ देखूँ मैं तू ही तू नजर आए, मुझे इसके सिवा कुछ न कहना नशेरों वाले जगदम्बे, मुझे इसके सिवा कुछ न कहना नशेरों वाले जगदम्बे, ओ मेरी अखियों के सामने ही रहना नशेरों वाले जगदम्बे, मेरी अखियों के सामने ही रहना नशेरों वाले जगदम्बे, दे दो भक्तों को भक्ति का दान मैया जी, दे दो भक्तों को
है भजन तेरा भक्तों का गहना मशेरों वाले जगदम्बे है भजन तेरा भक्तों का गहना मशेरों वाले जगदम्बे ओ मेरी अखियों के सामने ही रहना मशेरों वाले जगदम्बे मेरी अखियों के सामने ही रहना मशेरों वाले जगदम्बे मेरी अखियों के सामने ही रहना मशेरों वाले जगदम्बे यशपाल जय कर श्री राम बोल सच्चे दरबार की जय दाती दे दरबारे दुख खोला ना ताकी करा 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 धर्म कंडे पाप पुण्य तो लाना ताकी धर्म कंडे पाप पुण्य तो लाना ताकी करा धर्म कंडे पाप पुण्य तो लाना ताकी धर्म कंडे पाप पुण्य तो लाना ताकी करा दाती दे दरबारे दुख खोलाना 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 ताकी करा ऐसे दा भरोसा मैनू ऐसे दा सहारा है ऐसे दा भरोसा मैनू ऐसे दा सहारा है ऐ देवा जो मेरा इक पल ना गुजारा ऐ देवा जो मेरा इक पल ना गुजारा है ऐसे दा भरोसा मैनू ऐसे दा सहारा है दुख भुलाना ताकी करा ऐ दे सुहे चोले में बधाई आज लाली में ऐ दे सुहे चोले में बधाई आज लाली मेरी मेरे अंग संग फिरे करे रखवाली मेरी मेरे अंग संग फिरे करे रखवाली मेरी ऐ दे सुहे चोले में बधाई आज लाली में ऐ दे सुहे चोले अजलाली हो मेरे अंग संग फिरे करे रखवाली हो मेरे अंग संग फिरे करे रखवाली मेरी ऐ दे चरना बिच जिंद रोला ना ताकी करा ऐ दे चरना बिच जिंद रोला ना ताकी करा ऐ दे चरना बिच जिंद रोला ना ताकी करा ऐ दे चरना बिच जिंद रोला ना ताकी दाती दे दबारे दुख फोलाना ताकी करा दाती दे दबारे दुख फोलाना ताकी करा दाती दे दबारे दुख फोलाना ताकी करा शेर दी सवारी मेरी मैया नूनी सजदी शेर दी सवारी मेरी मैया नूनी सजदी
दरबारे दुख भुलाना दा की करा दरबारे दुख भुलाना दा की करा काम क्रोध लोभ मोह चारे ये सतान मैनु काम क्रोध लोभ मोह चारे ये सतान मैनु दुनिया दी ममता च फेर जे फसान मैनु दुनिया दी ममता च फेर जे फसान काम क्रोध लोभ मोह चारे ये सतान मैनु काम क्रोध लोभ मोह चारे ये सतान मैनु दुनिया दी ममता च फेर जे फसान मैनु दुनिया दी ममता च फेर जे फसान मैनु उस वेले माता नु मैं टोला ना ता की करा उस वेले माता नु मैं टोला ना ता की करा उस वेले माता नु मैं टोला ना ता की करा उस वेले माता नु मैं टोला ना ता की करा मेरी आमदी जेड़ा याद करे चमन दुखड़े मिटाम जी जेड़ा याद करे चमन दुखड़े मिटाम जी भवन का रूप धार मैया मेरी आमदी ओ भवन का रूप धार मैया मेरी आमदी जेड़ा याद करे चमन दुखड़े मिटाम जी ओ जेड़ा याद करे चमन दुखड़े मिटाम जी मेरे घर में आई मैया मैं
की नाही सिंघासन है, हो नाचो की नाही सिंघासन है, नाचो की नाही सिंघासन है, बस श्रद्धा की है छैया, 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 मैं नजर उतारू मैया की, बस श्रद्धा की है छैया, मैं नजर उतारू मैया, वो मेरे घर में आई मैया, मैं नजर उतारू मैया की, मेरे घर में आई मैया, मैं नजर उतारू मैया, ना कोई भी पकवान है माँ, 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 ना सुख का कोई समान 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 है माँ, मैं पढ़ूं मैया के पैया, मेरा और न कोई सहारा माँ, मेरा और न कोई सहारा, हो मेरा और न कोई सहारा माँ, मेरा और न कोई सहारा, हो तूने सबको पार उतारा माँ, हो तूने सबको पार उतारा माँ, हो तूने सबको पार उतारा माँ, सबको पार उतारा, हो मेरी भी अनोखी भैया, शशि शेखरा मरकत कक्षे चतुर्भिर्गुरे शंखं चक्रधनुषरांश दधति
नित्येष्टि विशोभिता आमुक्तांगद हार कंकन रणत कांचीरनन्नु पुरा दुर्गा दुर्गति हारणी भवतु नो रत्नोलसत कुंडला सच्चिया जोता वाली माता तेरी सदा जयकारा छेरा वाली जीदा बोल सच्चे दरबार की जय। आज की परम पावन संध्या कालीन आरती वेला में दुर्गा वैष्णो माता जी की असीम अनुकंपा द्वारा आप सभी श्रद्धालु भक्तों को माता जी के तपोवन के दिव्यांग में बैठ करके सत्संग करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अतः आप सभी सौभाग्यशाली एवं पुण्यकर्मी हैं जिनको आज विशेषतया शीतलाष्टमी के दिन माता जी के चरणों में बैठ करके सत्संग करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, क्योंकि अष्टमी नवमी और चतुर्दशी के दिन की ही माता की पूजा से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। विशेष रूप से कृष्णाष्टमी के दिन जो माता जी की आराधना करता है उसमें लिखा है कि कृष्णायाम चतुर्दश्याम व अष्टम व समाहिता ददाधिपति गिन्नाधि नान्य तेषा प्रसीति, अर्थात कृष्ण वर्ष की अष्टमी चतुर्दशी को जो सरस्व माता जी के चरणों में निशावर कर देता है और फिर उसे प्रसाद रूप में ग्रहण करता है उसी पर माता जी की प्रसन्नता होती है, अन्यथा माता जी प्रसन्न नहीं होती। अतः आप सभी सौभाग्यशाली एवं पुण्यकर्मी हैं। आप सभी का माता जी के दिव्यांगन में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन तथा वैष्णो माता दरबार की ओर से आपके साथ विश्व के सभी मातृभक्तों को भूरी भूरी आशीर्वाद। ॐ पुनस्त्वादित्या रुद्रा वसवा समिन्दतान् पुनर्ब्रह्मानो वसुवीथ यज्ञे वितेन सन्तन्नं वर्धयस्य सत्याः सन्तु जरमानस्य कामः मन्त्रार्था सफला सन्तु पूर्णा सन्तु मनोरथाः शत्रूणां बुद्धिनाशोऽस्तु वित्तानाम् उदयस्तु श्रीवर्चस्व आयुष्यमारोग्यम् शुभमानं महीयते धनं धान्यं पशुं बहुपुत्र लाभं सत्संवत्सं दीर्घमायुः अस्तु दीर्घमायुः। आपकी दीर्घायु हो, आपको आरोग्यता प्राप्त हो, आप धन धन से संपन्न हो, जिन मंत्रों का आपने श्रवण किया वे सभी सफल एवं सार्थक फल देने वाले हों। अब सदैव धर्मानुकूल कर्म करते हुए उन्नति के मार्ग पर अग्रसर हों। सच्चियां जोतां वाली माता तेरी सदा जयकारा शेरां वाली जीदा बोल सच्चे दरबार की जय। अभी सभी भक्तियां उच्च स्वर से बोलते हुए ताली बजाते माता जी आरती बोलेंगे। सामने दीवार पर आरती लिखी है, आपकी पुस्तिका के अंतिम पृष्ठ पर भी आरती है, सभी बोलेगा। ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी मैया जय मंगल करनी मैया जय आनंद करनी तुमको निजि दिन जावत मैया जी को निजि दिन जावत हरि जग मा शिव रे। ओम जय सिंदूर विराज की को मृग मद को मैया दी को मृग मद को ओ जल से दो नैना ओ जल से दो नैना गगन नी को कनक समान कलिंग रक्तां भर राधे मैया रक्तां भर राधे रक्त पुष्प गल माला रक्त पुष्प गल माला कण कण कर साजे। ओम जय ओम गौरी के हरि वाहन राग खड़ग खपर गारी मैया खड़ग खपर गारी सुर नर मुनि जन सेवत सुर नर मुनि जन सेवत सिर के दुख हारी। ओम जय ओम गौरी कानन कुंडल शोभित नासा के मोती मैया नाना दे मोती चंद्र दिवाकर कोटिक चंद्र दिवाकर तमराजत ज्योति। ओम जय ओम गौ
करके गुफा द्वार पर पधार चुके हैं। इस पवित्र गुफा का अखंड ज्योति का पूजन करेंगे। तत्पश्चात माता जी आरती होगी। आरती और सभी भक्तों के बीच में आएगी। सभी भक्त बैठे बैठे शांति पूर्वक आरती वंदना करना। प्रेम से बोलो जय माता दी, कल मिल बोलो जय माता दी, राहुल बोला जय माता दी, पंजाब बोला जय माता दी, आरती बोला जय माता दी, आप बोले जय माता दी, कष्ट कटाने पर माता दी, सेवा करते जय माता दी, गोलियां भरती जय माता दी, परे खजाने जय माता दी, सोलायाने जय माता दी, गावती जय माता दी, वीर बंदी जय माता दी, लाल बंदी जय माता दी, माने जय माता दी, जय माता दी, काली बजा के जय माता दी, जोता वाली जय माता दी।
सभी भक्तियां दोनों हाथ जोड़ करके माता जी के चरणों प्रार्थना करेंगे। ओम देहि सौभाग्यम आरोग्य, ओम देहि सौभाग्यम आरोग्य, देहि मे परमं सुखम, देहि मे परमं सुखम, रूपं देहि जयं देहि, रूपं देहि जयं देहि, यशो देहि दिशो जहि, यशो देहि दिशो जहि, सर्वमंगल मंगले, सर्वमंगल मंगले, शिवे सर्वार्थ साधिके, शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी, शरणे त्र्यंबके गौरी, नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते, शरणागत दीनार्थ, शरणागत दीनार्थ, परित्राण परायणे, परित्राण परायणे, सर्वस्यार्ति हरे देवी, सर्वस्यार्ति हरे देवी, नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः, ॐ शान्तिः, ॐ शान्तिः, ॐ शान्तिः, ॐ शान्तिः, ॐ शान्तिः। परम पूज निशी प्यारी महाराज आरती प्रारंभ करते हैं। सभी भक्त जन बैठे बैठे शांति पूर्वक आरती का क्रम देखिएगा। जय माता दी। आनंदी आनंद करो कल्याणी कल्याण मैं तो सत गरी जो चरना था ध्यान thank you.
भर्गं चक्रगरीषु चापवज्रांशूलं पशुनिचिराजं सन्धरलिङ्गरिस्त्रिनयनं परमाङ्गभूषादितां नीलाशमाधुरिवाचपादशकां सेवे महाकालिकां जामतो सजदे हरो कमलजो हन्तुं मधुकेतवम् अक्षा सर्वशङ्करेषु भुजशं परमं धनुष्कुण्डिका गण्डं शक्तिमचिन्तयर्मजलजं गण्डासुरावाजनं शूलं पादसुदर्शने गदते हस्ते प्रसन्नायणां सेवे देव लक्ष्मी सरोजस्तिकां घण्टा शूलहलानि शङ्कुशले चक्रं तनुसायकं कक्षादेवतिकणान्तविदशत् चेता सुरुजप्रभा गौरी देवसमुद्भवान्त्रिजगतां आधारभूतामः पूर्वामस्तसरस्वती मनुपदे शुम्भादिलक्ष्मी त्वमेव माता कविता त्वमेव त्वमेव वन्दोचतका त्वमेव त्वमेव विद्या दयिनं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव शान्ताकारं भुजनशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं सुवर्णं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगमनं वन्दे विष्णो मङ्गलं सर्वलोकेकनाथं अच्युतं कृष्णं यमुनानयनं वसुदेवं श्रीधरं माधवं भक्तिदायकं कामिनीनायकं रामचन्द्रं हरे मुरारे गुरे मुरारे गोविन्द गोपाल माधव कृष्णं ज्ञानं प्रदेहि शरणं प्रदेहि विद्यां प्रदेहि भगवन् नमो तुभ्ये सत्या ज्योता बाली माता तेरी सदा पंचफूला रानी माता तेरी सदा सर्वदा बला चंद भाली माता तेरी सदा सारे संसार में शांति देने वाली माता तेरी सदा खुला चुका माफ करने वाली माता तेरी सदा गुफा विच निवास करने वाली माता तेरी सदा लंकड़ा भी खादो तेरी सदा बोलो सच्चे दरबार की धर्म की जारो धर्म की जारो धर्म की जारो अधर्म का नाशो अधर्म का नाशो अधर्म का नाशो प्राणियों में बदभावना हो प्राणियों में बदभावना हो प्राणियों में बदभावना हो विश्व का कल्याण हो विश्व का कल्याण हो विश्व का कल्याण हो भारत वर्ष भारत हो भारत वर्ष भारत हो भारत वर्ष भारत हो हर हर महादेव बोलो बाबा शिव की जय सनातन धर्म की जय गौ माता की जय बोलो सच्चे दरबार की जय पूज्य गुरु महाराज की जय पूज्य माता पिता की जय बोलो सच्चे कला शरवली दा